अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम एक और सिंपल सा मशरूब लेके आए हैं जो कि गर्मियों का एक ख़ास सौगात है, इसको इमली का, इमली और आलू बुखारे का शरबत कहते हैं। इसके लिए हमें इन चार अज़ा की ज़रूरत है, जिसमें मैंने इमली एक पाव ली है, आधा पाव आलू बुखारा, इन दोनों को मैंने रात भर भिगो के रखा है 2 कप पानी में, और साथ ही 1 खाने का चम्मच काला नमक और 1/2 किलो गुड़। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इमली डालेंगे। फिर आलू बुखारा। और साथ ही ये गुड़। मीठे की क्वांटिटी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा गुड़ डाल सकते हैं। ये नमक चला गया, पानी थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। बस हमने इसको इतना पकाना है कि ये सब चीज़ें फिक्स हो जाएं। जी तो व्यूवर्स, हमारा तीनों चीज़ों का मिक्सर हमने उबाल लिया था और अच्छी तरह तकरीबन 15 मिनट तक उबाला है। देखें, अब इसको हम छान लेते हैं छन्नी में ऐसे। तो लीजिए व्यूवर्स, हमारा इमली और आलू बुखारे का शरबत तैयार है। देखें कितना गाढ़ा सा है। इसको हम तकरीबन 1/2 जग पानी में, जिसमें मैंने बर्फ़ डाल के रखी है, इसको इतना डालेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर। इसमें चाहें तो आप और पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारा ड्रिंक तैयार है, ठंडा ठंडा मज़ेदार। तो आप तुख मलंगा भी इसमें डाल सकते हैं, और वो मैंने आपको सिखाई थी ठंडाई पाउडर, उसके साथ भी शामिल कर सकते हैं। ठंडाई पाउडर की रेसिपी हम आपको लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ठंडा ठार इमली और बुखारे का शरबत तैयार है। आप आज इसे बनाइए और इफ्तार में पेश कीजिए। इसके साथ ही जाते जाते वो ही पुरानी बात कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया कीजिए, और साथ में ये बेल का जो आइकन है इसको दबाने से आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलेंगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।